एक बेहद अहम और बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। जापान में तेज भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। जापान में आए भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल पर 7.6 मापी गई है और जापान में सुनामी का अलर्ट जारी कर दिया गया है। और ये एक बेहद अहम और बड़ी खबर इस वक्त की है, जापान में अब सुनामी का अलर्ट जारी कर दिया गया है क्योंकि एक जबरदस्त भूकंप का झटका महसूस किया गया है और जो तटवर्ती इलाके हैं यहां अब इस सुनामी का असर भी दिखना शुरू हो चुका है। जापान में आगाह कर दिया है लोगों को और अब जो समुद्री तट हैं वहां से सुरक्षित जगहों पर जाने के लिए कह दिया गया है और अनुमान से भी ज्यादा एक बड़ा भूकंप का झटका वहां पर महसूस हुआ है। लोगों से कह दिया गया है कि जो तटीय इलाके हैं यहां सुनामी का खतरा बढ़ता चला जा रहा है, इसलिए आप सुरक्षित जगहों की ओर चले जाएं। ये बेहद अहम और बड़ी अंतर्राष्ट्रीय खबर। जापान में एक जबरदस्त भूकंप का झटका आया, रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 7.6 मापी गई है, यानी एक बहुत जबरदस्त भूकंप आया है जापान में और ये बताया जा रहा है कि ये सुनामी का एक पहला रूप और उसकी आहट दिखाई देने लगी है। इसका असर भी जापान में तटवर्ती इलाकों में देखने को मिल गया है और अब तटवर्ती इलाकों से लोगों को सुरक्षित जगहों पर जाने के लिए कह दिया गया है। जो तटवर्ती इलाके हैं वहां से प्रभावित इलाकों से लोगों को अब दूर सुरक्षित जगहों पर जाने के लिए कह दिया गया है। जापान में इस वक्त अलर्ट जारी कर दिया गया है क्योंकि एक जबरदस्त झटका भूकंप का आया है। यह तस्वीर एक्सक्लूसिव न्यूज 18 इंडिया पर आप देखिए किस तरह का असर जापान में अब देखने को मिला है। सुनामी की शुरुआती आहट की ये तस्वीर, जापान में 7.6 तीव्रता का भूकंप आया है और ये एक जबरदस्त झटका है। सुरक्षित जगहों पर लोगों को जाने के लिए कह दिया गया है। दरअसल यहां सुनामी की भी आहट और अलर्ट जारी कर दिया गया है।